Yeah, yeah. Yeah. Shawty loves it, yeah. Loves that I'm a dog. They don't want it, yeah. They scared of what I know. Told you the budget, yeah. I gotta get my own. Shout out my bros, this right here deserves a toast, yeah. Lot of people back home on my back and they know. Hey everyone, what's up? Welcome back to my channel. और आज की वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ कुछ विंटर आउटफिट आइडियाज़ फीचरिंग H&M. H&M से मैंने रिसेंटली कुछ अपर वेयर परचेज करा है और उन सबको इंक्लूड करके मैं आउटफिट आइडियाज़ आपको दिखाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ, जो कि आप विंटर्स में कैरी कर सकते हो बहुत ईजिली, बहुत स्टाइलिश हैं. और वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखना क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग आउटफिट्स हैं. चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब ज़रूर करना. वीडियो को शुरू करते हैं. अब जो नंबर वन चीज़ मैंने परचेज करी H&M से वो है एक स्वेटशर्ट जो कि ऑलिव कलर की है. और इसके साथ मैंने क्या क्या चीज़ें कंबाइन करी है एक सिंपल सा आउटफिट बनाने के लिए. इसके साथ मैंने कंबाइन करी है एक बैगी जीन्स, वाइट स्नीकर्स और मैंने साथ में लिया एक कैप, वो भी H&M की है. अब इस कैप और स्वेटशर्ट की बात करोगे, स्वेटशर्ट बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल है. मटेरियल की बात करोगे, दैट इज़ अ कॉटन प्लस पॉलिस्टर और एक ये ड्रॉप शोल्डर स्वेटशर्ट है. इसमें काफ़ी सारे कलर्स हैं, मैं लिंक डाल दूंगा, आप चेक कर सकते हो. अब इस कैप की बात करोगे, कैप बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल लग रही है मेरे को, मटेरियल बहुत अच्छा है और फिटिंग बहुत अच्छी है. अब दोनों की प्राइस की बात करते हैं. स्वेटशर्ट इज प्राइस्ड एट 799 रुपीज़, कैप इज प्राइस्ड एट 699 रुपीज़. तो ओवरऑल ये दोनों कॉम्बिनेशन बहुत अलग सी वाइब देते हैं और ये एक पूरा आउटफिट स्ट्रीट स्टाइल लुक की वाइब देता है. सो अगर आपको ये आउटफिट कैरी करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहां से बाय कर सकते हो. अब जो सेकंड आउटफिट मैंने क्रिएट करा है वो करा है एक ओवर शर्ट से जो कि मैंने H&M से बाय करी है. अब इस आउटफिट में मैंने क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करी हैं इसको बहुत ही कूल सा आउटफिट बनाने के लिए. मैंने इसमें लिया एक वाइट टी शर्ट, एक लिया वाइट जीन्स और साथ में लिए हैं ब्लैक बूट्स. अब मैंने उसमें क्या चीज़ और ऐड करी एक यूनिक लुक देने के लिए, वो करे हैं फ्रेम्स. और ये ओवर शर्ट और फ्रेम मैंने H&M से बाय करी है. अब इन दोनों की बात करी जाए तो ओवर शर्ट की बात करते हो सबसे पहले तो ये बहुत ही ड्यूरेबल है, बहुत अच्छी फिटिंग है, बहुत कंफर्टेबल है और बहुत ज़्यादा वॉर्म है. अब इसकी प्राइस की बात करोगे, इट इज़ प्राइस एट 2300 रुपीज़. अब नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेम्स की जो कि मैंने H&M से ही ली हैं. फ्रेम्स का फिट बहुत अच्छा है, क्वालिटी मेरे को बहुत अच्छी लग रही है और बहुत यूनिक स्टाइल है. अब इसकी प्राइस की बात करोगे, इट इज़ प्राइस एट 699 रुपीज़. और जो पूरा आउटफिट मैंने क्रिएट करा है ये एक पार्टी लुक है. अगर आप गर्लफ्रेंड के साथ डेट पे जा रहे हो, फ्रेंड्स की पार्टी में जाना है विंटर्स के अंदर, तो ये आउटफिट आप बहुत ईजिली कैरी कर सकते हो और आप बहुत यूनिक लगने वाले हो उस पार्टी में अगर आप ये आउटफिट अच्छे से कैरी करके जाते हो. अब जो नेक्स्ट आउटफिट मैंने क्रिएट करा है वो भी मैंने एक ओवर शर्ट से क्रिएट करा है जो कि लाइट ब्लू कलर की है. और ये कलर काफ़ी ज़्यादा मेरे को रिच लगा. मैंने क्या क्या चीज़ें इसमें इंक्लूड करी है, इसके नीचे मैंने पहनी है एक पिंक कलर की टी शर्ट, उसके नीचे मैंने डाला है H&M के थोड़े लूज से ट्राउजर्स और साथ में कंबाइन करे हैं टैन कलर के बूट्स. ये पूरा आउटफिट ना एक बहुत रिच आउटफिट लग रहा है मेरे को और थोड़ा सा एक सेमी फॉर्मल वाली वाइब दे रहा है. ठीक है, ज़्यादा कैजुअल वाइब नहीं दे रहा, थोड़ी सी सेमी फॉर्मल वाली वाइब दे रहा है. और बाकी इसकी अब क्वालिटी की बात करते हैं ओवर शर्ट की, बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी है, बहुत ज़्यादा वॉर्म है, मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल भी है, बहुत लंबे टाइम तक चलने वाली है. अब इसकी प्राइस की बात करोगे, इट इज़ प्राइस एट 2300 रुपीज़. अब मैं कोशिश करूँगा जो इसका ट्राउज़र है और जो मैंने टी शर्ट डाली हुई है और जो शूज़ डाले हैं उनका भी लिंक ढूंढ के मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप पूरा आउटफिट बाय कर सकते हो. अब जो नेक्स्ट आउटफिट मैंने क्रिएट करा है वो करा है एक फॉक्स शर्लिंग जैकेट से. अब ये आउटफिट मैंने क्या सोचते हुए क्रिएट करा है कि आप किसी ठंड वाले एरिया में जा रहे हो, मनाली में जा रहे हो, कहीं भी ठंडी जगह में जा रहे हो, वहाँ पे आपको कंफर्टेबल भी रहना है और वार्म भी रहना है, तो ये फॉक्स शर्लिंग जैकेट बहुत अच्छे से काम करने वाली है. अब मैंने इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करी है, इसके नीचे मैंने डाली है डार्क ग्रे कलर की टी शर्ट, उसके नीचे ब्लैक जॉगर्स और उसके नीचे वाइट स्नीकर्स. ये पूरा आउटफिट बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है और ये जैकेट बहुत ज़्यादा वार्म है, मतलब मेरे को बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल भी लगी और काफ़ी अच्छा कम्फर्ट है, काफ़ी कूल सा लुक देता है. आप देख सकते हो ओवरऑल आउटफिट में कितना अच्छा पर्सनालिटी को एक एनहांसमेंट मिल रहा है. तो मेरे ख्याल से ये जैकेट आप मिस नहीं कर सकते. अब इसकी प्राइस की बात करोगे, इट इज़ प्राइस्ड एट 3000 रुपीज़. थोड़ी सी कॉस्टली है बट विंटर्स के अकॉर्डिंग, मतलब एक्सट्रीम विंटर्स होगी ना, तो ये जैकेट बहुत अच्छे से काम आने वाली है और बहुत स्टाइलिश लगेगी. इसके आगे भी पॉकेट है और साइड में जो नासा और USA का फ्लैग बना हुआ है इसको काफ़ी यूनिक लुक देता है. अब आप इस आउटफिट को दो तरीके से कैरी कर सकते हो, विद कैप और विदाउट कैप. अब इस कैप की प्राइस की बात करोगे, इट इज़ प्राइस्ड एट 699 रुपीज़. वैसा ही सेम फिट है, वैसी ही मटेरियल है, मतलब बहुत अच्छा मटेरियल है. अगर कैप लेनी हो ना और वार्म कैप और स्टाइलिश कैप लेनी हो तो ये कैप आप बाय कर सकते हो, इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ.
अब द नेक्स्ट एंड द लास्ट आउटफिट मैंने क्रिएट करा है वो करा है एक ब्लैक बाइकर जैकेट से जो कि स्वेड मटेरियल में है। अब इस खासियत क्या है इस जैकेट की, आपने देखा होगा जो लड़कियां हैं वो शॉर्ट जैकेट्स डालती हैं, कभी लड़कों को नहीं देखा होगा तो लड़के भी शॉर्ट जैकेट डालने लग गए हैं। ये एक बहुत ही यूनिक सा स्टाइल है, मैंने इसको कैसे कैरी करा है मैं आपको बताने वाला हूँ। इसके नीचे मैंने डाली एक शर्ट जो कि लॉन्ग है, जैकेट शॉर्ट है, उसके नीचे मैंने डाली है जीन्स और वाइट स्नीकर्स। ये आउटफिट सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल आउटफिट है, बहुत स्टाइलिश आउटफिट है और उसमें आप बहुत ज़्यादा रॉयल लुक देता है आपको। आप किसी पार्टी में जा रहे हो, गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहे हो, दोस्तों से मिलने जा रहे हो, ये एक वर्सेटाइल आउटफिट है जो आप हर जगह कैरी कर सकते हो। अब इस जैकेट की मटेरियल की बात करोगे, बहुत मोटा मटेरियल यूज़ करा गया है, बहुत भारी जैकेट है और विंटर्स के अकॉर्डिंग तो बहुत ज़्यादा परफेक्ट है। अब इसकी प्राइस की बात करोगे, इट इज़ प्राइस एट 6,000 रुपीज़। मैंने लिया है इसमें एम साइज़, इनफैक्ट मैंने जितने भी आपको मटेरियल देखा है सबका मैंने एम साइज़ ही लिया है, उससे ऊपर कोई भी साइज़ नहीं लिया है और सारे परफेक्ट आए हैं। मेरी हाइट 6 फीट है, अगर आपकी हाइट जितनी भी आप उसके अकॉर्डिंग अपने साइज़ को बाय कर सकते हो। तो ये कुछ आउटफिट्स मैंने क्रिएट करे हैं विंटर्स के लिए जो कि आप बाय कर सकते हो, स्टाइल कर सकते हो, पहन के जा सकते हो। सबके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिलने वाले हैं। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना और ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, अंटिल देन स्टे हेल्दी स्टे सेक्सी, टाटा।